Hi guys, what is up? As you all know that I posted a YouTube video, I think 2 days back. So I wanted to share something with you guys. मेरे को comment section में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि you have edited the part out. आपने जो winner है वो ही edit कर दिया है. So there is a story behind it. It doesn't make me a coward. मैं डरी नहीं किसी से. It's just like there are some people in this world I can't fight with because of the power they hold. I'm not saying I don't have any power. मतलब मेरा यार 1 लाख का यूट्यूब चैनल है जो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है. I'm gonna be honest, मेरी बहुत फटी हुई थी 2 दिन से. And because देखो मैं अपनी ऑडियंस को रिवील कर रही हूँ, it takes lot of balls to do that on somebody's YouTube channel. तो on anybody's YouTube channel as a matter of fact, तो मैंने जो रिवील किया वो मेरी prediction थी, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं भी ऑडियंस हूँ. तो अगर उसमें कोई ट्रिगर हो रहा है या कोई इनसिक्योर हो रहा है बीइंग अ पब्लिक फिगर, तो आई थिंक पहले तो उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बारे में भी लोगों ने बहुत बोला है. पहले हाँ मैं ट्रिगर होती थी क्योंकि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, बट अगर मैं आज की बात बोलूँ तो मैंने कभी भी जिंदगी में कोई स्टोरी का रिप्लाई नहीं किया है जो कि लोग मुझे शेड थ्रो कर रहे हैं. Lot of people from this season का roadies DM'd me also. मेरे को I think winner ने भी shade throw किया, he DM'd me what is this behavior with a laughing face. तो मुझे लगा वो अच्छे, मतलब एक बहुत अच्छे वे में बोल रहे हैं, कि मुझे लगा कि चलो ठीक है, he is happy. But मैंने उसको लिखा कि मैंने कहा there is no hard feelings, मुझे I think you are amazing. मुझे जो लगा मैंने वो बोला अपने YouTube चैनल पे, this and that. He did not reply and that's when I knew कि there is something fishy. मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला, मैंने कहा ब्रो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है. उसके बाद हिमांशु अरोड़ा टेक्स्टेड मी, विच इज रियली स्वीट ऑफ हिम. उसने टेक्स्ट किया, कहता आई डोंट हैव मच टू से बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू. उसके पास मैं देख रही हूँ 2-3 और लोग हैं जिनको मैं फुटेज नहीं दूंगी. उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है कि आई थिंक ऑल द रोडीज कंटेस्टेंट आर अमेजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई एम नॉट ट्रिगर्ड बाय दैट एंड आई डिड नॉट से एनीथिंग. आई एम जस्ट, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बोल सकते हो कि सब अच्छे हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ. मैं फेक नहीं हूँ, मैं ये मानती हूँ अगर आप फेक हो तो आपको सब अच्छे लगेंगे, अगर आप रियल हो तो आपको कुछ ही लोग अच्छे लगेंगे और कुछ लोग फेक लगेंगे, बिकॉज दैट्स हु यू आर. आई डोंट हैव टू लिक समबडीज एस टू प्रूव अ पॉइंट दैट आई एम सो स्वीट, लव मी. आई एम नॉट बेगिंग फॉर अटेंशन फ्रॉम एनीबडी. अगर मुझे कोई पसंद करता है तो मेरे सारे फ्लॉज के साथ पसंद करेगा, और अगर मुझे कोई पसंद नहीं करता है तो फिर वो मुझे पसंद करे ही ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता. एनीवेज ये एक बात मुझे बोलनी थी. दूसरी बात ये है कि मैंने जो पार्ट एडिट किया है, मैं 2 दिन बहुत ही ज्यादा गलत सदमे में रही हूँ. कल तो मेरी बहुत ही बुरी हालत थी. यू ऑल ऑलरेडी नो दैट आई एम गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप. मैंने वो ब्रेकअप वीडियो बहुत टाइम बाद डाली थी. मेरे साथ मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रखा है, 3 महीने हो गए, ठीक है. तो अब मेल करेगा, और मेरी अगर YouTube वीडियो पे भी आप जाओ पुरानी वाली पे, उसमें कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि वी गिव यू 2 आवर्स टू रिमूव दिस वीडियो. इफ यू डू नॉट, यू डोंट कंप्लाई बाय आर पॉलिसी, वी विल टेक अ फर्दर एक्शन अगेंस्ट यू. मैंने फिर भी वीडियो डिलीट नहीं करी बिकॉज आई फील लाइक आई एम स्केर्ड, बट आई एम नॉट स्केर्ड दैट मच दैट आई लूज माई डिग्निटी. कुछ नहीं होता, और मेहनत कर लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं फिर से मेहनत कर लूंगी, मेहनत करने से ही आदमी बड़ा बनता है, तो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा. बट ये जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, एक लड़के ने स्टोरी डाली जो कि जिसको सिर्फ स्टेरॉइड्स पता होंगे पूरी दुनिया में, उसे और कुछ पता नहीं. आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज बट यू डिजर्व इट. आप मुझे बोल रहे हो कि आप PI में आ जाओ, 1-on-1 करते हैं. अगर मुझे PI में जाना होता ना बेटा, पहली बात तो मुझे 3 ऑडिशन लगते नहीं, दूसरी बात मैं अंदर होती, वो भी बहुत पहले, ठीक है. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है लाइफ के अंदर, और मैं वो ही करूंगी और तेरे मुंह पे जवाब भी दूंगी, ठीक है. तो 1-on-1 मत कर, 1-on-1 करना है तो मुझे दिल्ली में बुला ले, कहीं में भी बोलेगा मैं आ जाऊंगी, 1-on-1 हो जाएगा, और तू जाकर तुझे दिखेगा ना कभी रियल लाइफ में. आई एम डैम श्योर, आई बेट माई एस योर दैट यू विल रन फॉर योर लाइफ. तो इतना ही मुझे बोलना है. मुझे लगा मैंने वही बोला है, मैं आज भी स्टिक करती हूँ उन वर्ड्स पे. मैंने विनर की प्रिडिक्शन दी थी, मैंने ये नहीं बोला मुझे किसी ने बताया है या कुछ है क्या है, मुझे लगता है विनर ये है. मैं वीडियो मैं रोडीज देख रही थी, ठीक है, मेरे को लगा ओ यार ये विनिंग मटीरियल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, तो मैंने वही जाके अपने चैनल पे बोल दिया. अब इसमें आप बताओ कुछ गलत करा मैंने. दूसरी चीज मुझे ये बोलनी है कि मेरा ओपिनियन था, मेरी प्रिडिक्शन थी, मैंने दी, ठीक है. मैंने ये भी बोला कि मैं अपना चैनल बंद कर दूंगी अगर ये प्रिडिक्शन गलत हुई तो.
विदिन 2 hours, आई एम नॉट लाइंग. और मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट डालने की मुझे जरूरत नहीं है, सबको पता है मैंने एडिट करी है वीडियो, बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं पुरानी वाली वीडियो पे. विदिन 2 hours आई स्टार्टेड गेटिंग धमकीज, नॉट ओनली फ्रॉम सम कंटेस्टेंट जिन्होंने अपने बापों को जाकर बोला कि यार भव्या ने ये कर दिया, भव्या ने वो कर दिया. आई एम ग्रेट दैट आई एम द टॉक ऑफ द टाउन, आई एम गुड, अमेजिंग. बट आप इतना डर गए कि आप, मतलब जो मैंने जो प्रिडिक्शन दी थी आपके हिसाब से तो वो सही हुई ना, आप खुद ही मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर गए. आपको जवाब ही नहीं देना चाहिए था. If I would have been you and I would have known I have won the show, I would have never ever reacted to it. And that's my class and that's my grace. I'm like, fangirl, let her speak whatever she wants to speak. But you wanted me to remove that part. So I was right, I guess. Duh. I mean, usually I'm not that stupid. It's like food in the mouth, to be honest. It was. Dusra point mera ye hai, aap logo ko ek jhund lag gaya mujhse ladne ke liye. Theek hai? मैं ये नहीं बोल रही मैं बहुत पावरफुल हूँ. अगर मैं पावरफुल होती तो मैं वीडियो कट एडिट आउट नहीं मारती, क्योंकि मैं तो डरपोक निकली ना वीडियो के अंदर देखा जाए. आई वॉज स्कैर्ड, आई एम ओनिंग इट. मैं तो डरी हुई थी क्योंकि मुझे, मैंने बहुत मेहनत करी है. बहुत दम लगता है एक चैनल पे आके बोलने के लिए कि अच्छा ये जीता है, ये हारा है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, ये अपना ओपिनियन रखा मैंने जो भी बोला, दम लगता है. तो अगर मैं कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचूं, यूट्यूब मेरी रोजी रोटी है, मैं अपने बारे में सोचूं तो मैंने कट किया. बट मुझे बुरा ये लगा कि मुझे एक कॉल आने के बजाय मुझे धमकी आ रही थी मेल्स पे, कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह की वीडियो हटा, वीडियो हटा, वीडियो हटा. मैं वीडियो नहीं हटाई, बट मैंने एडिट कर दिया पार्ट. मैं आज भी बहुत, आई एम रियली स्केयर्ड टू मेक दिस वीडियो, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट फेकिंग इट. इफ आई डोंट लाइक एनीबडी, आई विल नॉट लाइक देम, एंड दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू लाइक मी बैक ऑल्सो. इफ आई लाइक सर्टन पीपल फ्रॉम दिस सीजन, आई रियली लाइक देम एंड आई अप्रिशिएट देम. ठीक है, तभी मैं अपने चैनल पे किसी की तारीफ करी और किसी की नहीं करी. मैं भी ऑडियंस हूं यार, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. ह्यूमन राइट्स होते हैं सबके पास एक ओपिनियन होने के, मेरे भी थे. दूसरी चीज ये है जो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा, कि मेरे फ्रेंड्स को कॉल आ रहे हैं कि भव्या का नंबर दे दो. वैसे तो मेरा नंबर बहुत लोगों के पास मिल जाएगा आपको, जहां से जिन्होंने पूछा. मैं डरती नहीं हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी लाइफ के अंदर. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरा वर्थ क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ. ठीक है, मैं चुप बैठी हूँ. आई हैव ग्रोन अप इन माई लाइफ, आई डोंट थिंक सो आई फाइट लाइक अ बिच. और मैं अगर अपने पे आ जाऊँ तो मैं सब तबाह भी कर सकती हूँ, बट मैं चुप बैठी हूँ. ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरी वीडियो हट जाएगी, यही तो हो सकता है. उसके बाद तो मेरे पास फिर भी पावर है ना दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके बोलने की, तब कैसे चुप कराओगे. आई डिड नॉट डू एनीथिंग. एक लड़का है जिसने 15 मिनट मेरी वीडियो के डलने के बाद एक 7 स्टोरियां डाल दी मेरे लिए, कि भव्या मेरे को तेरे से अगेंस्ट कुछ नहीं है, मैं औरतों से नहीं लड़ता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता. और बोल रहा है कि तू, अगर तू, तुझे लगता है कि तू रोडीज में आ, तू पीआई दे, 1-on-1 करते हैं. पहली बात तो है अश्नीर ग्रोवर ने 1-on-1 कर दिया था तेरे साथ. बट दूसरी चीज यह है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं. तू ये बोल रहा है कि हमने सेम शो किया है, हमने सेम शो किया है, बट बेटे मेरा नाम तुझसे बहुत ऊपर है स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में. ठीक है, और ये मैं अपने दम पे बोल रही हूँ यहाँ पे बैठकर. ठीक है, दूसरी चीज ये है, तू मेरे को अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. स्टोरीज में बोल रहा है कि आई वुड हैव डन द वीडियो, आई वुड हैव डेफिनेटली डन द वीडियो, आई स्टिल वांट टू डू द वीडियो. एंड देन यू गो ऑन द लाइव एंड से दैट आई डोंट थिंक योर चैनल इज वर्थ इट. यू आर इग्नोरिंग मी ऑन योर फकिंग मैसेजेस एंड वी ऑल नो इट. यू नेवर वांटेड टू डू दिस बिकॉज यू आर सेल्फिश. पीपल लाइक यू हु डोंट वॉन्ट अदर पीपल टू ग्रो आर द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल. And I can bet my ass that I've done videos with people who have done 7 reality shows and you have not even done one, because second episode mein out hone ko koi reality show nahi karte kehna. Theek hai, mere ko bas ye bolna hai beta, main Splitsvilla mein itna dam rakhti hu ki tu to khair kya hi kar payega wahan pe jaake. He is such a fake guy, by the way. मतलब एक अपनी फेक इमेज दिखा रहा है. मैं तेरी तरह फेक तो नहीं हूं, मैं जो बोलती हूँ मैं मुंह पे बोलती हूँ. मेरे से तो अपने आप को कंपेयर कर मत. ठीक है, मैं जो बोलती हूँ डंके की चोट पे बोलती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता. दूसरी चीज, आई विल कीप हिज थिंग्स वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. इसने रोडीज के ऑडिशन में आके ये बोला था कि जब मैं स्प्लिट्सविला गया था मेरे से गलती हो गई, आई फक्ड अप इन दैट शो, मैंने किसी लड़की को चीट किया, जो किया वो किया. तो आप अपने को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर दो बेटा, ज्यादा संस्कारी बनने की जरूरत नहीं, आप होनी. ठीक है, दूसरी चीज, यार आप बोल रहे हो वहां पे रोडीज के ऑडिशन में आके आपको इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपके वहां पे दिख रहे थे कि आप कितने फेक हो. और आपका, मतलब मुझे एक और चीज लगी कि आपकी बंदी को ले लिया और आपको नहीं लिया, और आपकी ईगो हर्ट होगी. बात
वो दिख रहा था एंड अश्नीर वॉज 100% राइट एंड आई विल कॉमेंट एवरी टाइम. तो मुझसे मत लड़ बेटे. नहीं, मैं स्प्लिट्सविला करके आई थी. वी हैव नॉट डन द सेम शो. I was ruling that show and I will always say that and I am the reason Splitsvilla season 12 worked out. And I'm sorry that I'm breaking some of the people's heart but I own my shit. और मैं एक और reality show करूँगा, तेरे मुंह पे तमाचा मारूंगा तो उससे ऊपर वाला करूंगी, ये भी सुन ले आज. ठीक है, तो मुझे रोडीज से मत बुला, मुझे नहीं आना. मेरे को आना होगा मैं तो उससे बहुत आगे निकल जाऊंगी लाइफ के अंदर. प्लीज स्टॉप इट यार, प्लीज जस्ट स्टॉप द फक अप. You are triggering, you are so annoying, you are so annoying. आप रोडीज में जाके इतना बेइज्जती करा के आ गए हो और आप फिर भी बोल रहे हो कि वी हैव डन द सेम शो. वी हैव नॉट. हु आर यू? कौन है तू? मैं तो अभी भी बोल रही हूं, तू मुझे मेरे साथ वीडियो नहीं करेगा. आई वॉज नाइस बिकॉज आई ऑडियंस वॉन्टेड टू सी यू, अदरवाइज पीपल लाइक यू, स्वीट हार्ट, आई डोंट एंटरटेन इन रियल लाइफ. जो फ्री की दारू पीने आ जाते हैं ना, उनसे मैं बात नहीं करती. तो मुझे मेल बाहर पता चल जाएगा तुझे कितना वर्थ है किसका दिल्ली के अंदर. एनीवेज दैट्स व्हाट दिस गाय हूज फेक एज़ फक, आई डोंट वांट टॉक अबाउट हिम. दूसरी चीज ये है, बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत पावर लगा दी थी. मेरे को बहुत ईमेल्स आए हैं, वीडियो हटाओ वीडियो हटाओ, मैंने विनर हटा दिया. बट देन आई ऑल्सो फील लाइक कि समवेयर दे कॉन्ट्रडिक्टेड देमसेल्फ एंड या दैट्स अबाउट दैट. अभी और सीजन आएंगे, अभी और सब कुछ आएगा. शो खत्म तो नहीं हो गया, बहुत कुछ आएगा. This cycle is going to repeat. I will again come on my channel. I will say what I have to say. I will have an opinion about everybody. And this is what my audience wants to see. I live for my audience. I breathe for my audience. I eat for my audience. This is my bread and butter. So if you come for my bread and butter, I will end you. Very simple. I love YouTube. I think YouTube has actually taken my side lot of times. Because what I do is scary. It's not easy, trust me, to put the content up, interviewing people who are very controversial and putting it on my YouTube channel. It's tough, you know, asking them to react. So in the end, I just want to say one more thing that I get the point of these channels also. I get it. But maine apni video ke aage bol diya tha ki ye spoiler alert hai. Aap dekhte hi nahi video. बट आपको देखनी भी थी. एंड ऑल्सो समटाइम्स आई फील लाइक आई लव द चैनल. आई थिंक दे मेड मी हु आई एम टूडे एंड प्रॉब्ली दे वर माई फर्स्ट माइल स्टोन ऑफ माई लाइफ एंड आई लव इट. आप ही लोग मुझे जानते ही लीड ऑन से इसलिए क्योंकि मैंने स्प्लिट्स 12 किया था एंड आई नो हाउ मच आई लव द चैनल. आई स्टिल पुट रील्स ऑन बिकॉज आई कांट गेट ओवर इट. आई एम गोना बी ऑनेस्ट, दैट वॉज वन थिंग आई डन इन माई लाइफ विच वॉज क्रेजी गुड. आई लव्ड माई सेल्फ ऑन द शो. मतलब मैं उस लड़की को आज भी मिस करती हूँ यार. जब मैं रोती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ भव्या होती स्प्लिट्सविला वाली तो वो कैसे रिएक्ट करती. और आई लव दैट गर्ल एंड आई लव वेयर दे पुट मी एंड व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द शो इज क्रेजी. बट कभी कभी पता क्या है, कभी कभी प्रोडक्शन, इतने बड़े बड़े चैनल्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को ये भी सोचना चाहिए कि ये जो कंटेस्टेंट है क्या पता यही बता देते थे दूसरों को जाके. तो दे शुड लुक इन देयर ओन सर्कल दैट हु इज द मोल इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स एट समबडी लाइक मी हु जिसकी मेरे पास 1,00,000 सब्सक्राइबर है. मेरे वीडियोस पे 40-40, 50-50,000 व्यू आते हैं. तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं यार, आई एम नोबडी. तो मेरे से लड़ने के लिए अगर आपको इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ रही है तो आई डोंट थिंक सो दैट्स समथिंग ग्रेसफुल और क्लासी. फाइटिंग विद मी आई थिंक दैट्स नॉट इक्वल एंड ऑल्सो आई फील लाइक द कंटेस्टेंट्स टारगेटिंग मी इज ओके. आई कैन फाइट विद देम बट देर आर सर्टन पीपल आई कांट फाइट विद बिकॉज आई रिस्पेक्ट इट. आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली रिस्पेक्ट दैट. That's the reason I edited out the part, but I'm not gonna say the name again because that's the reason. The whole point in the comment section, people already know in the previous video. So whatever that is, you can go and watch that video. Yes, I edited out the part. Yes, I was scared. I did not sleep yesterday because I felt like, will it come? Will they fight with me? Will they fight with me? What will I do? What will I do? There were 1,000 things going in my head. I was not eating. I was not doing anything. And I'm already going through so much in my life. और मेरे को ना अपने followers को भी एक चीज बोलनी है यार. एक तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को ही टारगेट कर रहे हो, तो मेरे को ही गंदा गंदा बोल रहे हो यार. जो मैंने 4 साल पहले किया उसके बाद मैं बड़ी भी तो हुई हूँ, मेरी एज भी तो बड़ी है, मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ. सो आई हैव लर्न्ड अ कपल ऑफ थिंग्स एंड नेक्स्ट टाइम इफ यू सी मी इन अ रियलिटी शो यू विल सी अ चेंज्ड भव्या. वॉट एवर आई डू, wherever I am in my life, I'm not the same brat I was. I support Indian culture. I do whatever I've said in my video. I stand by it. Also,
आई हैव देयर इज दिस कॉमेंट इन द लास्ट वीडियो जिसने बोला कि एलजीबीटी के बारे में कुछ बोला था. आई रियली वांट टू हाईलाइट दैट ही वॉज राइट. आई सेड दैट आई सपोर्ट एलजीबीटी बट शोइंग अ फेक कनेक्शन ऑन द चैनल ऑन द शो इज नॉट राइट. दिस इज वॉट आई सेड एंड दिस इज वॉट आई विल से राइट नाउ ऑल्सो. आई थिंक इफ यू आर यूजिंग अ कार्ड जस्ट टू गेट सर्टन फॉलोअर्स और सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल ऑन योर इंस्टाग्राम दैट्स क्रिंज and I will still say it. So that's about that. I have edited the part and I felt really bad. So many people attacked me. I've got so many mails from so many different agencies till now. I have nothing against anybody. This is my channel. I have an opinion and I will say whatever I want. And I think I'm a very small fish in the ocean. So fighting with me is not looking good on you. And I don't consider myself a big shot. But yeah, when it comes to splits, I consider myself something. Because I can, I feel like I have done something on that particular playground. I was good. And that's not only, and that's the reason people still love me. It's been 4 years and people still have the same opinion about me they had. I think I'm pretty strong to say it on my channel who won and who did not, according to me. Also, I want to say one more thing that please, instead of pointing fingers at me, go check who said what. And how it came to me or how I know it. So that's also, I think, समझदार को इशारा काफी है जो मैं कहना चाह रही हूँ उसके लिए. These contestants come and they only tell people like us who have a opinion and who say things on their channel because they want publicity, they want attention. So maybe that's one reason I did it. I don't know. You all have to think about it. I rest my case here. आई वॉन्टेड टू डू दिस बिकॉज मेरे पे बहुत उंगलियां उठ गई थी कि मैं डर रही हूँ. भव्या ने हटा दिया वीडियो का पार्ट एडिट कर दिया. मैं डरी हूँ. आई एम गोना बी ऑनेस्ट आई वाज स्कैर्ड ऑफ सर्टेन पीपल. आई नो आई कांट फाइट. मे बी वन डे आई बी एबल टू बिकॉज आई एम नॉट दैट बिग राइट नाउ. बट विद इन नेक्स्ट 2 years आई थिंक आई कैन फाइट देयर. बट राइट नाउ आई कांट फाइट बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई चैनल एंड दैट्स माई ब्रेड एंड बटर एंड आई डोंट वॉन्ट लूज दैट पार्ट. सो या दैट्स अबाउट दैट. एंड I think thank you for watching the previous video. If you haven't watched, you can go in the comment section and see what I'm talking about. Also, I want to say I don't have a physical strength to fight with a man. Also, I'm not a physically strong person. I might be mentally, but I'm not physically strong. जो मेरी कमजोरियाँ हैं वो है. So somebody giving me an open challenge is really disgraceful. And if they say they respect a woman, especially, that is disgraceful. Very disgraceful. And we are not on the same page, sweetheart. I did what I did and was done very beautifully, and nobody cares about your Splitsvilla journey, honestly. Nobody still cares about you or about your Jodi's journey. So I said a lot about other people. They did not get triggered. So if you got triggered, you look in the mirror and ask yourself how and why you got triggered. Because maybe I was spitting facts, because maybe I was right. You contradicted yourself. That's one thing about that. And I will keep doing what I do. I will keep coming again and again and again and again and tell people the truth. Spit facts, because that is Bhavya Singh for you. I'm not scared of anybody, but yes, there are certain people I can't fight right now because I don't have the resources and power to do so. But ek din wo bhi aayega aur fir main dange ki chot pe ladungi. This is Bhavya Singh signing off. Just angry as hell. कि इतने सारे लोगों को मुझसे लड़ने की जरूरत पड़ गई 2 दिन के अंदर, यानी 48 आवर्स के अंदर अंदर मेरा वो पार्ट एडिट आउट कराने के लिए, जो कि मुझे बहुत बेहुदा लगा. बिकॉज व्हाई डू यू वांट मी टू रिमूव दैट पार्ट? व्हाई? आई रियली वांट टू नो व्हाई डिड यू वांट मी टू रिमूव दैट पार्ट? वाज आई राइट? डू यू फील लाइक आई सेड समथिंग ऑनेस्ट? बिकॉज आई वुड ओनली वॉन्ट अ यूट्यूब वीडियो टू बी रिमूव्ड बिकॉज दैट्स माई ट्रूथ कमिंग आउट इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल. और अगर आपको 40,000 व्यूज और व्यूअर्स से फर्क पड़ रहा है ना, तो आप थोड़ा बड़ा हो जाओ. क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, पीपल विल हैव एन ओपिनियन अबाउट यू, पीपल विल टॉक शिट अबाउट यू. सम पीपल विल लव यू, सम पीपल विल नॉट, एंड सम पीपल विल डिसलाइक यू नो मैटर वॉट. तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता. मेरे बारे में कौन जाके बोल रहा है? हाँ, कोई मुझको ओपन चैलेंज देगा, मुझको उससे फर्क पड़ेगा. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, I don't have a physical strength to fight with you who's going to the gym every day and doing whatever fake shit you do in there. I don't want to say it. I don't want to go below the belt.
रिलेशनशिप की जो आप ट्रिगर हुए कि आप अपने रिलेशनशिप के स्टेटस से ट्रिगर हो गए थे, आपने ये बोला था शायद स्टोरी में, तो आपने रोडीज के ऑडिशन में खुद ये बोला है कि आप स्प्लिट्सविला में, अगर आप इसका रोडीज का ऑडिशन देखोगे, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ही सेड दैट इन फ्रंट ऑफ द जजेस दैट ही चीटेड और व्हाटएवर, कुछ तो इसने किया था, मुझे अच्छे से पता नहीं है, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, बट इसने कुछ बोला था ऐसे रोडीज ऑडिशन में कि आई फक्ड अप द लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू स्प्लिट्स, यू फक्ड अप बिग टाइम, सो वी डिड नॉट डू द सेम शो, नो. And my audience in the comment section, I really want you to tell me that was I wrong, because I had to edit out the part. It took me a day to edit that video. It took me a lot of efforts and mental strength to put that video out in front of public, because I knew I'm gonna get backlash. It is so hurtful that people still keep grudges and attitude towards, and I'm not a part of the team. You know what I what feel what makes me feel really bad. That I don't have friends in that group. So I don't have support from people like that, big people. You know, if I would have had, I would have changed the game. But if you let me in the game, I will change the game. That is Bhavya. And I stand by my words. I'm very angry. So this is the tone I have right now, because I had to edit it out. I feel stupid because maine bahut mehnat se wo video banayi thi. बहुत मैं पता है मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी, मेरे घर पे लोग आए हुए थे, मैं उनको ये बोल रही थी यार मैं डालू नहीं डालू, यार मुझे पता है ये होगा होगा, और हुआ. और वो मुझे ना इंटेंशन, मुझे इंट्यूशन आ जाती है कि यार गलत होने वाला है कुछ, भव्या तेरे साथ आज मुझे आ गई थी. जैसे ही मैंने वीडियो डाली, हेट मिलनी मुझे स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम द कंटेस्टेंट. पीपल डिड नॉट गिव मी हेट, पीपल स्टिल थिंक दैट आई सेड व्हाट आई सेड वाज राइट. बट मुझे कंटेस्टेंट से बहुत हेट मिला है, मुझे शेड थ्रो हो रहा है, मैं फिर भी नहीं डरूंगी, मैं फिर आऊंगी और मैं फिर बोलूंगी, मेरा काम है मैं करूंगी. अगर आपको इतने सारे लोग लग रहे हैं मुझसे लड़ने के लिए, तो आई थिंक आप अपने दामन में झांक के देखिए कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं अकेले खड़ी हूं, अकेले ही खड़ी रहूंगी एट द एंड. और हाँ, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगी लाइफ में, और तब मैं तुम सबको लपेटे में लूंगी. आज मैंने एडिट कर दी वीडियो, तू कर दी, तुम जीत गए इस बार. तो मैं अपनी हार यहां पे बोलने आई थी बस, बाकी मैं अपनी ऑडियंस के लिए जान दे दूंगी. बाकी बात रही, ये छोटी सी बात है बट सिंपल है. मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, पर हमारा चैनल सबसे सही है, मेरे को ऐसा लगता है. ठीक है, मेरे 40,000 व्यू आते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है वो 40,000 लोग मुझसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं. बात खत्म हो गई यहाँ पे. अब प्लीज कोई डंडा मत दो मुझे, मेरे को जीने दो. अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं आई एम गोइंग थ्रू सो मच इन माई लाइफ, आई कांट टेक दिस, माई मेंटल हेल्थ इज योर, आई एम ऑन दी एज. इफ समथिंग हैपन्स टू मी, इट्स ऑल ऑन यू ब्रो. Stop torturing me. I would just want to say that. I'm done. This is it. And if you guys feel like I should not do this, just tell me. I will stop making YouTube videos. That's it, bro. It's very frustrating that so many people target you in one day. And I'm sitting at home. I'm not even going out doing controversies, bro. I just feel like I said what I said. I feel like I have an opinion, bro. Main bhi audience hu. Filhal ke liye to hu na. That's about that, bro. Just write in the comment section that if I said something wrong. I would love to hear your point of view. I'm mad that these people will do anything to fuck with your mental health. They will do anything to stop you. And they need an army to stop you. That is very cringe and not classy of them. मैंने कॉल नहीं घुमाया किसी को कि मुझे हेल्प चाहिए. आई थिंक समझदार को इशारा काफी है. मैंने वीडियो का पार्ट एडिट आउट कर दिया, तुम लोग जीत गए, सो यू विन, एंजॉय द विक्ट्री.